हेलो एवरीवन रिसेंटली केरला के थर्टी ईयर ओल्ड अनूप जो कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं उन्होंने जीत ली है पच्चीस करोड़ रुपए की लॉटरी इन दी स्टेट गवर्नमेंट्स ओनम बम्पर लॉटरी अब क्या आपने ये सोचा है कि इंडिया के अंदर ये लॉटरी खेलना लीगल है या इलीगल आज के मेरे वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये जो ऑनलाइन लॉटरीज खेली जाती हैं इनका क्या स्टेटस है लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर हम ये देखें कि लॉटरी जो है इससे रिलेटेड लॉ बनाने की पावर जो है वो स्टेट के पास है यानी ये एक स्टेट सब्जेक्ट है सो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है इससे रिलेटेड लॉज बनाने की और उन्हें ये पावर मिली है कहाँ से अंडर दी लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट सो so, इसके अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया है स्टेट गवर्नमेंट को टू फॉर्मुलेट देयर ओन लॉज एंड अकॉर्डिंगली ये जो गवर्नमेंट लॉटरी है इट इज़ लीगल इन सम इंडियन स्टेट्स एंड इज़ बैंड इन द रेस्ट सो हर स्टेट ने अपने हिसाब से लॉज बना रखे हैं इसलिए कई जगह ये लीगल है और कहीं जगह इ लीगल अगर हम बात करें ऑनलाइन लॉटरीज़ की तो इसके बारे में कुछ भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है यानी ये जो एरिया है ये ग्रे एरिया है बिकॉज लॉ जो है इसके बारे में साइलेंट है सो यू कैन से दैट इट इज़ ना लीगल नॉर इलीगल एंड इस्पेक्टिव ऑफ़ द स्टेट वेयर इट इज़ प्लेट सो आप चाहें तो इसे खेल सकते हैं क्योंकि ये अभी इलीगल कैटेगरी में नहीं है क्योंकि लॉ जो है इसके बारे में साइलेंट है लॉ में इसके से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है जब हम ये ऑनलाइन लॉटरी की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे यू एस पावरबॉल मेगा मिलियंस मेगा सेना यूरो जैकोट यूरो मिलियंस एंड वर्ल्ड लॉटरीज ऑफ द लाइक दैट आर हेल्ड आउटसाइड द कंट्री ये इंडिया के बाहर होती हैं लेकिन ये वेलकम करते हैं इंडियन लोटो प्लेयर्स को एंड दे आर लार्जली कंसिडर लेजेंट इन इंडिया यानि दो ये जो है बाहर होती है इंडिया में कुछ स्टेट्स में लीगल है इलीगल है लेकिन लॉ जो है वो इन ऑनलाइन लॉटरीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कहता है ये एक ग्रे एरिया है जिससे के बारे में लॉ जो है वो साइलेंट है सो दीज कैन बी प्लेड ऑनलाइन वायर टिकट मैसेंजर सर्विसेज एंड लोटो बेटिंग साइट्स सो यू कैन से दैट इट इज़ लीगल यू कैन प्ले एज देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन नो लॉ इन रिगार्ड टू दैट सो इन शॉर्ट अभी तक हम क्या समझें दट लॉटरी जो है इट इज़ लार्जली लीगल इन इंडिया एज देर इज नो ब्लैंकेट बैन यानी कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो लॉटरी को पूरी तरीके से बैन करता हो सो इट इज़ लार्जली लीगल करेंटली देर आर थर्टीन इंडियन स्टेट्स विच हैव लीगलाइज द गवर्नमेंट लॉटरीज एंड द रेस्ट फिफ्टीन स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज देयर प्लेइंग लॉटरी इज़ इलीगल यानी सिर्फ तेरह इंडियन स्टेट्स के अंदर ही जो है आप लॉटरी खेल सकते हो बाकी के पंद्रह स्टेट्स और आठ यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो लॉटरी है इट इज़ इलीगल आप नहीं खेल सकते साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडियन लॉटरीज़ हैं दैट आर बैंड वो टोटली totally बैंड है वो अलाउड नहीं है यानी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई लॉटरी आ रही है तो ही उन थर्टीन स्टेट्स में अलाउड है अदरवाइज़ कोई प्राइवेट इंडियन लॉटरी है सो इट इज़ टोटली बैंड इट इज़ इलीगल एंड प्लेइंग इंटरनेशनल लॉटरीज फ्रॉम इंडिया ये जो है अभी इलीगल नहीं है क्योंकि लॉ इसके बारे में साइलेंट है इसके बारे में कुछ नहीं कहता अगर मैं बात करूं उन स्टेट्स की जहां पे जो ये लॉटरी खेलना इलीगल है तो वो स्टेट्स हैं असम अरुणाचल प्रदेश गोवा केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिज़ोरम नागालैंड पंजाब सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल सो दीज आर दर्टीन स्टेट्स वेयर प्लेइंग लॉटरी इज़ लेजिट इट इज़ अला सो so, यहाँ पे सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के अंदर जो है लॉटरी खेलना लीगल है और यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्होंने अपना खुद का एक लॉटरी डिपार्टमेंट बना रखा है विच इज़ सुपरवाइज्ड बाय दी फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी सबका हर स्टेट का अपना लॉटरी डिपार्टमेंट है जो कि ये जो सारी लॉटरीज होती हैं उससे डील करता है उसमें देखता है कि कैसे होना है कैसे टिकट नंबर देखना है तो वो सब सो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स दे हैव देअर ओन स्कीम्स दे दैट आर ऑर्गेनाइज ऑन द डेट्स एंड एट आरस दैट आर फिक्स्ड बिफोर हैंड सो सब कुछ फिक्सड है ये सारी की सारी जो लॉटरीज हैं दे आर हेल्ड पब्लिकली यूजिंग जम्बो लॉटरी मशीन्स सो सब कुछ फिक्सड है कुछ भी गड़बड़ नहीं है सब कुछ बिफोर हैंड ही डिसाइड हो जाता है क्या है क्या नहीं है किस टाइम पर किस मोमेंट पर किस तरीके से नंबर्स जनरेट होंगे किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कैसे लॉटरी का जो रिजल्ट है वो आएगा एंड द टॉप प्राइजिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर डिपार्टमेंट इट्स सेल वाई द लोअर प्राइजेज आर हैंड आउट बाई द ऑथोराइज टिकट सेलर्स सो इस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको कैसे मिलेगा जो फर्स्ट प्राइज आता है उन्हें डिपार्टमेंट देता है खुद और जिनका लोअर uh, प्राइजेज हैं उनको जो भी जहाँ से भी उन्होंने टिकट्स खरीदे हैं वो लोग उन्हें जो है इनाम देंगे एंड टू क्लेम अ प्राइज अ विनर हैज़ टू सबमिट हिस्स टिकट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट जो भी उस क्लेम के अंदर जो है प्रोवाइडेड हैं उन्हें उसे देना होगा सो so, अगर हम बात करें द लीगैलिटी ऑफ ऑनलाइन इंटरनेशनल लॉटरीज जो कि फॉरन ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइज करते हैं आउटसाइड इंडिया विच कीप्स दैम अवे फ्रॉम दी लॉ ऑफ द ला यानी इंडिया में क्या लॉ लग रहा है उससे उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कहाँ होती हैं इन सम फॉरेन कंट्री और अगर वहाँ की आप कोई भी लॉटरी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो इन सर्च ड्रॉज ऑनलाइन वाया लॉटरी साइट्स देन इट इज़ लीगल यू कैन यू कैन प्ले इन इट बिकॉज जो हमारा लॉटरी रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन है वो इसके बारे में साइलेंट है वो कुछ भी नहीं कहता इट इज इन ग्रे जोन सो यू कैन राइट नाउ इट इज लीगल एंड यू कैन प्ले इट सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू